मैं जानता हूँ दो आईसी है, ईवीएम के अंदर भी आईसी है और वीपी पेट में भी आईसी है। जब दोनों आईसी को जोड़ेंगे तभी तो वो प्रिंट करेगा मदरबोर्ड में। आपको पता है को दो मशीनों में आपस में आईसी में इंस्टॉलेशन होता है तो क्या हो सकता है? हमें राम नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए। मैनुअली रिसर्च किया है कैसे? मैनुअली हर ईवीएम की हर प्रक्रिया की, चुनाव आयोग की हर प्रक्रिया, जब से रेंडमाइजेशन होता है, ईवीएम का इंस्टॉलेशन होता है, सारी जो प्रक्रिया होता है और सर प्रक्रिया में मैंने भाग लिया। तो ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए जब आता है वीपी पेट का, उसी समय पूरा खेल हो जाता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश के अंतिम छोर पर है। इसके बाद यह यात्रा राजस्थान में प्रवेश कर जाएगी। इसके बाद यह यात्रा गुजरात की तरफ, फिर महाराष्ट्र की तरफ बढ़ेगी। लेकिन देखिए, रतलाम शहर है जहां पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और तमाम लोग हैं, तो ये बताइए यात्रा का रिस्पॉन्स क्या दिखाई दे रहा है? और जिस तरीके से बीजेपी भी कह रही है चुनाव आने वाला है 400 पार की, क्या देखते हैं? सर, मेरा ये कहना है कि जब 150 करोड़ जनता, जो हिंदुस्तान की जनता है 140 करोड़, जब वो अपना कीमती वोट देकर सांसदों को जब संसद में भेजती है, तो क्या एक चौकीदार चुनने के लिए भेजती? हमने प्रधानमंत्री चुन के भेजा था, माफ कीजिए, वो चौकीदार बन बैठा। तो चौकीदार और प्रधानमंत्री में बहुत फर्क होता है। हमको प्रधानमंत्री की जरूरत है जो इस देश को कांग्रेस ही दे सकती है। लेकिन वो कह रहे हैं कि देश का चौकीदार है, देश की रक्षा। सर, एक बात, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो देश का क्या होगा? ये बताइए, अमीर को और अमीर, ठीक है आप गरीबों को कुछ बांट रहे हैं, मिडिल क्लास क्या करेगा? मिडिल क्लास कहाँ गया? बिजनेसमैन का क्या हुआ बताइए? आज आप जाके देखिए, हर घर में एक बेरोजगार नहीं, पूरा परिवार बेरोजगार है, क्योंकि उसकी रोजी, वो भीख नहीं मांग सकता। सर, हम लोग राशन में लाइन लगा के राशन फोकट में लेने के आदि नहीं है। मिडिल क्लास अपनी मेहनत से, मजदूर मजदूरी करके अपनी कमाई, खून की गाड़ी कमाई से अपना पेट भरता है, ना कि भीख लेके। तो आप गरीबों को भीख दे के आप इस देश का उद्धार नहीं कर सकते, आपको मिडिल क्लास के लिए सोचना पड़ेगा। कांग्रेस कहाँ से जीतेगी? ईवीएम हैक होगी, वीपीपीएट और ईवीएम के अंदर जब इंस्टॉलेशन होता है तो सॉफ्टवेयर काम करता है। जब ईवीएम में वीपीपीएट लगाई जाती है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर आते हैं, कलेक्टर की उपस्थिति में वो इंस्टॉलेशन होता है। और इंस्टॉलेशन होता है तो आपको पता है को दो मशीनों में आपस में आईसी में इंस्टॉलेशन होता है तो क्या हो सकता है? जिस हर ईवीएम पे आपको भरोसा नहीं है? बिल्कुल भरोसा नहीं है, ईवीएम के बल पे जीतते हैं ये। ईवीएम के बल पे क्या लगता है? मैं जानता हूँ दो आईसी है, ईवीएम के अंदर भी आईसी है और वीपी पेट में भी आईसी है। जब दोनों आईसी को जोड़ेंगे तभी तो वो प्रिंट करेगा मदरबोर्ड में, और जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने आते हैं उस समय एक प्रशासन होता है और कोई नहीं होता। आप इंजीनियर हैं? हाँ, अच्छा, बिल्कुल। आप कंप्यूटर के बारे में देख लीजिए, आप खुद चलाते होंगे, आपका पीसी और आपका प्रिंटर आप इंस्टॉल करते हैं ना, तभी चलता है ना। प्रिंटर कैसे चलेगा जब तक आप पीसी में इंस्टॉल नहीं करेंगे उसका ड्राइवर? तो ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए जब आता है वीपी पेट का, उसी समय पूरा खेल हो जाता है। ये बताइए कि ईवीएम पे भरोसा नहीं है, 2024 के चुनाव में ईवीएम को लेकर उतर रहे हैं, कैसे काम चलेगा, क्या करें आप? 400 क्या इनकी मर्जी पड़े, इन्होंने आंकड़े इसलिए पहले से दे देते हैं। पहले अमित शाह हमेशा आंकड़ा दे देते हर विधानसभा चुनाव के पहले, हर चुनाव के पहले बोल देते 170 प्लस 160 प्लस, और वही आंकड़ा आता है। ऐसा कैसे संभव है? क्या अंतर्यामी है अमित शाह? क्या मोदी जी अंतर्यामी है 400 प्लस का आंकड़ा दे रहे हैं? क्या हिंदुस्तान की जनता जो वोट देगी वो मूर्ख है? क्या गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी सब खत्म हो गई? क्या देश की महंगाई खत्म हो गई देश के अंदर से? लेकिन ये बताइए कि अभी जो ईवीएम पर पिछले 4 सालों से ये रेलवे में लूट कर रहे थे जीरो लगा के स्पेशल ट्रेन के नाम पे, और कल इन्होंने स्पेशल ट्रेन को सामान्य ट्रेन कर दिया। तो 4 साल से तुमने जो अतिरिक्त पैसा लिया वो क्यों लिया भैया? कोरोना काल से तुम 4 साल से अतिरिक्त पैसा ले रहे थे, रतलाम से इंदौर का 60 रुपये टिकट लगता था, कल से 30 रुपये कर दिया, 30 रुपये पर टिकट 4 साल से वसूला, वो पैसा कहाँ गया? क्यों लिया भैया आपने? गरीबों को लूटते हो और जब चुनाव आते हो, जब चुनाव चला रहे हैं मोदी का परिवार। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि भाई जिसका परिवार नहीं है वो दूसरे के दुख को क्या समझे। इसके बाद जो है तमाम जगहों पे अमित शाह ने लगा लिया, जेपी नड्डा ने, तमाम लोगों ने लगा लिया मोदी का परिवार, मोदी का परिवार ट्विटर पे। मोदी परिवार में मोदी का परिवार है अडानी, कोई परिवार नहीं है मोदी जी का, परिवार है अडानी जी और अंबानी जी, अडानी जी अंबानी जी, और सबसे बड़ा परिवार उनका जो है वो है आरएसएस, जो इस देश के अंदर बीजेपी तो खाली लोग नहीं है, नहीं है, हम तो जनता है, हम तो जानते हैं कि मोदी क्या है, हम जानते हैं। तो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं वो, आप कहाँ कहते हैं कांग्रेस वालों का हिंदू है? कांग्रेस को तो बिल्कुल निचली दृष्टि से देखते हैं, बिल्कुल हीन भावना से देखते हैं। वो राजनीति भी जो कर रहे हैं द्वेषता की भावना से, ईडी वगैरह क्या चल रही है? क्या कभी बीजेपी वालों के यहाँ छापे लगे?
सारे विपक्ष वालों के यहाँ छापे लगे हैं, बता दो किसी आरएसएस वाले के यहाँ छापे लगे हो? सारी चीजें का 12 घंटे काम कराया जाता है, 8 घंटे की तनख्वाह दी जाती है और 200-250 रुपए में काम कराया जाता है। ये कहाँ जाए 200-250 रुपए, 200-250 रुपए की सब्जी आ रही है सिर्फ। हमें राम नहीं, हमें काम चाहिए। अच्छा, हमें काम चाहिए, काम दो बेरोजगारों को, बस हमें यही है। लोग तो वोट राम के नाम पे, हमें राम नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए। फर्जी तरीके से जीत रहे, ईवीएम वीपीपैड से जीत रहे, गुमराह कर रहे हैं पूरे देश को, गुमराह कर रहे पूरे देश को। जब लोग वोट, अगर लोग अगर वो वोट से जीत रहे होते तो वीपीपैड में गिरी हुई पर्ची को गिन के वोट क्यों नहीं मान रहे? वो क्यों नहीं मानने तैयार? चुनाव आयोग सुनने को तैयार नहीं है? 35 दल अगर आपको आवेदन देते हैं, 43 दल आपसे आवेदन दे के मांगते हैं कि वीपीपैड पे या ईवीएम पे आप बात करें, चुनाव आयोग वो समय देने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि बीजेपी जीतने की, ईवीएम से जीतना। पूरा ईवीएम पे आप लोगों ने रिसर्च किया है? बिल्कुल, आप खुद देखो, एक मशीन को दूसरी मशीन से जोड़ते हैं तो बिना सॉफ्टवेयर बिना आईसी के वो नहीं जुड़ती है, और जब वो आईसी और सॉफ्टवेयर का जोड़ा जाता है उस समय राजनीतिक दल के प्रतिनिधि नहीं होते, प्रशासन होता है। तो स्वाभाविक है, अब वो प्रशासन जो कंपनी है टीसीएस, उसका टेंडर किसने दिया? चुनाव आयोग ने। हर पोलिंग बूथ पे मालूम है कि ये मुस्लिम इलाका है, यहाँ 800 वोट है, 600 वोट यहाँ गिरेंगे, 600 में से 400 वोट अपने को लेना है। अगर अपन 400 ले लेंगे तो लोग बाउंडर मच जाएगा कि मुसलमानों ने वोट दे दिया इस पोलिंग बूथ पे, तो वहाँ 200 ही लेंगे। अब जो दूसरा इलाका है उस इलाके में वो 700 की सेटिंग कर देंगे, अरे बोले ये तो इलाका ही इनका है, 700 आ गए, जबकि हकीकत में वोट वहाँ 300 भी नहीं मिले। ईवीएम को आपने मैनुअली रिसर्च किया है कैसे? बिल्कुल मैनुअली, हर ईवीएम की हर प्रक्रिया की, चुनाव आयोग की हर प्रक्रिया, जब से रेडमाइजेशन होता है, ईवीएम का इंस्टॉलेशन होता है, सारी जो प्रक्रिया होता है, और हर प्रक्रिया में मैंने भाग लिया है, देखा है प्रत्यक्ष रूप से, पार्टी की तरफ से अधिकृत रूप से कलेक्टर के पास में उपस्थित होकर देखा है, तभी मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि जब वीवीएम और वीपीपैड को जोड़ा जाता है उस समय किसी को नहीं बुलाया जाता है, और वो जो कंपनी का एक डब्बा लेके आता है बंदा, वो कलेक्टर की उपस्थिति में उसको जोड़ता है। क्या कह रहे हैं बताइए? मैं ये कहना चाहता हूँ महिलाओं को काम दिया जाए, कहीं पर भी महिलाएं काम करने आती 200-250 रुपये से ज़्यादा दिया नहीं जाता उन्हें। और राहुल गांधी की यात्रा क्या उम्मीद? हमें राहुल गांधी की यात्रा बहुत पसंद आई, और हम चाहते हैं कि राहुल गांधी इस बार प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मोदी जी भी यात्रा करेंगे, वो भी कहेंगे हमें कह रहे हैं कि मोदी जी हमें नहीं चाहिए, मोदी जी गुमराह कर रहे, पूरे देश को गुमराह कर रहे, लूट रहे पूरे देश को, लूट रहे पूरे देश को, लूट लिया उन्होंने, हमें पता है कि यही होगा कि पूरे गुमराह कर दिया पूरे देश को, और कुछ भी नहीं, बेरोजगारी चरम पे फैली हुई है। हमारा बालक आज काम के लिए निकलता है तो बोलते महिलाओं को रखा जाएगा, जेंट्स को नहीं रखा जाएगा, और वो भी 5,000 और 6,000 रुपए के अंदर। आज कहाँ 5,000 और 6,000 रुपये कहाँ लगेगा, जबकि मैं 5,000 रुपये तो किराया। आपको ईवीएम पे भरोसा है या नहीं है? मुझे भरोसा नहीं है, आप लोगों को है नहीं? नहीं नहीं नहीं, वो अमेरिका जैसा जिसने ईवीएम की शुरुआत करी थी वही भरोसा नहीं कर रहा है, और वो इंडिया भरोसा कर रहा है उस पर। तो 400 क्या है, 400 से ऊपर ही वोट सीट मिलेगी 24 चुनाव में, क्या देख रहे हैं बताइए? वही मोदी जी का डंका बजना है जब तक ईवीएम मशीन भारत में रहेगी। महाकाल की सरकार रहेगी तो नहीं आने देगी, महाकाल बाबा नहीं आने देगा उन्हें, नहीं आने देना चाहती है। सिर्फ ये 400 BC करके आएंगे, जनता नहीं जाने देती, जनता नहीं चाहती। इसके लिए बताइए, राहुल गांधी की यात्रा निकल रही है, कितना रिस्पॉन्स दिखाई देगा 24 में, इसका क्या फर्क पड़ेगा? राहुल गांधी की यात्रा बिल्कुल विजयश्री की ओर है, और युवा वर्ग उनके साथ है, यहाँ का किसान उनके साथ है, यहाँ का मजदूर उनके साथ है, यहाँ की स्त्रियाँ उनके साथ है, महिला उनके साथ है, बेरोजगार उनके साथ है, सारे लोग उनके साथ है। इसलिए ये यात्रा जो है परिवर्तन की यात्रा, और 2024 में है मोदी के जो बीजेपी है वो हारेगी और कांग्रेस जीतेगी, ये सारा नेतृत्व तो जो है 24 में सारी चीज़ें हकीकत में सामने आएगी। ठीक है, आप बताइए भाई साहब क्या सोच रहे हैं? कहाँ से जीतेगी? ईवीएम हैक होगी, वीपीपैड और ईवीएम के अंदर जब इंस्टॉलेशन होता है तो सॉफ्टवेयर काम करता है, जब ईवीएम में वीपीपैड लगाई जाती है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर आते हैं कलेक्टर की उपस्थिति में, वो इंस्टॉलेशन होता है, और इंस्टॉलेशन होता है तो आपको पता है को दो मशीनों में आपस में आईसी में इंस्टॉलेशन होता है तो क्या हो सकता है? सर वो लोग तो बौखला चुके हैं, क्योंकि जब राहुल जी ने जब ये यात्रा शुरू की थी, इसके पहले जब उन्होंने यात्रा करी थी तब भी आपने देखा देश का माहौल कैसा था और लोगों का रुझान कैसा था। इस बार भी आप लोग देख रहे हैं, आप साथ में आ रहे हैं राहुल जी के, क्योंकि पब्लिक साफ त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है, पब्लिक टूट चुकी है,
रोजी रोजगार, ये ज्वलंत जो ज्वलंत समस्या है इनका कोई निराकरण मोदी जी ने नहीं दिया है सिवाय राम के नाम पर लड़ाने का और झूठे आश्वासन दे के जुमलाबाजी के साथ में। अगर देश नहीं चलता है, देश चलता है नीतियों से, देश चलता है विकास से, देश चलता है गरीबों के रोजगार से, युवाओं के रोजगार से, उनकी शिक्षा से, उनके हॉस्पिटलिटी से, तो ये सारी चीज़ें कहाँ मिली हैं अभी बताइए। चाहिए भैया रतलाम में, हाँ कुछ कहना चाहिए बताइए। अच्छा रतलाम में हम लोग मौजूद हैं, मध्य प्रदेश का ये अंतिम शोर है, इसके बाद जो है ये यात्रा राजस्थान में प्रवेश करेगी, लेकिन जो भी लगातार यात्रा के बीच में होगा अगले 10-12 दिनों तक हम लगातार आप तक दिखाएंगे पहुँचाएंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।